नमस्कार दोस्तों, प्रिशा एकेडमी में आपका स्वागत है। और आज हम बात कर रहे हैं LIC की 2024 की चार बेस्ट पॉलिसीज के बारे में। तो इस वीडियो में आपको इन चारों पॉलिसीज के बारे में पूरी जानकारी मिल जाएगी। तो आइए शुरू करते हैं। नंबर वन पे दोस्तों है, वो है LIC का जीवन लक्ष्य प्लान, जो है LIC का प्लान नंबर 933। इस प्लान की खास बात क्या है जान लीजिए। अगर आपके मान लीजिए जीवन में किसी प्रकार का कोई लक्ष्य हो जो आप अचीव करना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि आप रहे ना रहे वो लक्ष्य प्राप्त हो जाए, जैसे कि आप अपने बच्चे का कोई बिजनेस सेटअप करना चाहते हैं, या आप चाहते हैं बच्चे को कोई हायर एजुकेशन के लिए, पढ़ाई के लिए आपको कोई फंड की रिक्वायरमेंट हो, या आप बच्चों की शादी को लेकर के जो फंड है उसकी रिक्वायरमेंट हो, तो किसी प्रकार का लक्ष्य आपकी जिंदगी में हो सकता है। तो जो भी लक्ष्य आपकी जिंदगी में है उसके लिए आप ले सकते हैं LIC का जीवन लक्ष्य प्लान, जो है LIC का प्लान नंबर 933। अब बात करते हैं जीवन लक्ष्य प्लान के बारे में। तो जीवन लक्ष्य प्लान के लिए आपकी मिनिमम उम्र है वो 18 वर्ष होनी चाहिए, मैक्सिमम 50 वर्ष तक का व्यक्ति जीवन लक्ष्य प्लान को ले सकता है, और मैच्योरिटी के टाइम पे मैक्सिमम एज है वो 65 वर्ष हो सकती है। मिनिमम जो पॉलिसी टर्म है 13 वर्ष का लेना पड़ेगा, मैक्सिमम पॉलिसी टर्म है वो 25 वर्ष का ले सकते हैं। मिनिमम सम एश्योर्ड 1 लाख का रहेगा, मैक्सिमम सम एश्योर्ड आप जितना चाहे ले सकते हैं, लेकिन मैक्सिमम सम एश्योर्ड आपकी फाइनेंशियल कैपेसिटी को ध्यान में रख करके ही डिसाइड करती है इंश्योरेंस कंपनी। यहाँ पे अगर प्रीमियम पेमेंट टर्म की बात करते हैं तो आपको जितने वर्षों का पॉलिसी लिया है उससे 3 वर्ष पहले आपका प्रीमियम पेमेंट है वो रुक जाएगा। फॉर एग्जाम्पल अगर मान लीजिए आपने पॉलिसी 25 वर्षों का लिया है तो आपका प्रीमियम पेमेंट रहेगा वो 22 वर्षों तक के लिए रहेगा, और अगर आपने 13 वर्षों के लिए कोई पॉलिसी लिया है तो आपका प्रीमियम पेमेंट टर्म है वो 10 वर्षों के लिए रहेगा। अब बात करते हैं इफ द पॉलिसी होल्डर रिमेन्स अलाइव टिल मैच्योरिटी ऑफ पॉलिसी, अगर पॉलिसी होल्डर पॉलिसी मैच्योर होने तक अगर जिंदा रहता है तो उस कंडीशन में जीवन लक्ष्य प्लान है वो कैसे काम करेगा। तो जान लीजिए एक एग्जांपल के लिए हम लेते हैं, हाइपोथेटिकल एग्जांपल है ये, सम एश्योर्ड यहाँ पे 5 लाख का लिया है, पॉलिसी पीरियड यहाँ पे 25 वर्ष का है, जो पॉलिसी लेने वाले व्यक्ति है उसकी उम्र हम मान के चलते हैं 30 वर्ष है, और ये प्रीमियम पेमेंट यहाँ पे चूंकि 25 वर्ष का पॉलिसी है तो प्रीमियम का भुगतान यहाँ पे 22 वर्षों तक करना होगा। अब ये जब पॉलिसी लेते हैं तो इनकी जो प्रीमियम रहेगा वो 20,787 ईयरली प्रीमियम रहेगा या 1770 मंथली प्रीमियम रहेगा। आपको एग्जैक्टली जो अमाउंट है प्रीमियम की वो LIC की वेबसाइट पे जिस दिन आप पॉलिसी लेंगे उस दिन देख लेना है। ये हो सकता है जब आप वीडियो देखें उस टाइम पुराना वीडियो हो सकता है, तो ये जो एक्चुअल जो प्लान होता है उसकी जो प्रीमियम राशि है वो आपको वहां से देख लेनी है। अब जो मैच्योरिटी होती है तब पॉलिसी धारक की उम्र हो जाती है 55 वर्ष, और यहाँ पे मैच्योरिटी पे पॉलिसी धारक को मैच्योरिटी बेनिफिट मिल जाता है। मैच्योरिटी बेनिफिट टोटल रहेगा यहाँ पे 13,37,500। उस 13,37,500 में के लिए इन्होंने टोटल प्रीमियम का भुगतान किया था 4,57,772 रुपए का प्रीमियम भुगतान किया और इनको मिला 13,37,500। अब अगर मान लीजिए इनकी डेथ हो जाती है तब क्या रहेगा, क्या गोल अचीव हो पाएंगे या नहीं हो पाएंगे वो जान लेते हैं। सेम प्लान लेते हैं हम, 5 लाख का पॉलिसी है, 25 वर्ष पॉलिसी धारक की उम्र है, एज पॉलिसी की 30 वर्ष की थी पॉलिसी धारक की, बाकी सब चीजें सेम है। यहाँ पे क्या होता है 5 वर्ष बाद किसी कारण से पॉलिसी धारक की मृत्यु हो जाती है, तो उसकी मृत्यु होते ही अब पॉलिसी का जो होगा उनके बच्चों के भविष्य के लिए या जो भी इन्होंने प्लान किए होंगे उनका क्या होगा, वो प्लान किसी भी कारण से खराब ना हो जाए तो इसके लिए क्या है ये पॉलिसी काम आती है, लेकिन वो काम कैसे करेगी ये आपको यहाँ पे पता चलेगा। ठीक है, तो ये काम कैसे करेगी तो जान लेते हैं। यहाँ पे क्या होगा, जैसे इनके डेथ होती है उसके तुरंत बाद ही क्या होता है सारे प्रीमियम्स जो थे वो स्टॉप हो जाते हैं। ठीक है, 5 वर्षों तक जब ये जिंदा थे इन्होंने प्रीमियम का भुगतान करते रहे, 5 वर्ष के बाद इनकी जब डेथ हो गई तो यहाँ पे प्रीमियम का भुगतान थे वो बंद हो गए, अब इनको किसी प्रकार के प्रीमियम का भुगतान नहीं करना है। ठीक है, अभी क्या होता है नेक्स्ट क्या आता है यहाँ पे कि इतना ही नहीं, इनके परिवार को अगले 24 वर्षों तक जितनी सम एश्योर्ड है, जैसे यहाँ पे अगर हम सम एश्योर्ड देखते हैं 5 लाख रुपए, तो सम एश्योर्ड का 10% इनके परिवार को हर साल इंश्योर LIC की तरफ से मिलेगा, यानी 50,000 रुपए इनके परिवार को नॉमिनी को हर वर्ष अगले 24 वर्षों तक मिलता रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे 5 वर्ष और अगले 21 वर्षों तक यहाँ पे मिलेगा,
और जब ये पॉलिसी एंड हो जाती है, जब मैच्योर हो जाती है पॉलिसी, तो वहां पे क्या होगा, मैच्योरिटी बेनिफिट मिलेगा। मैच्योरिटी बेनिफिट कितना रहेगा, 13,87,500 रुपए, और ये 110% ऑफ सम इश्यूड रहा, और बोनस मिला 6,12,500 का, यहाँ पे बोनस मिल गया, तो कुल मिला के टोटल इनको हो गया 13,87,500 का, यहाँ पे टोटल मैच्योरिटी बेनिफिट है वो मिल गया। ठीक है, तो अब ये बेनिफिट यहाँ पे मिल गया है, यहाँ पे जीवन लक्ष्य के कारण ये सारे लक्ष्य है वो प्रीमियमली अचीव कर पा रही। नंबर दो पे दोस्तों बात करते हैं, तो वह जीवन आनंद प्लान। जीवन आनंद प्लान की खास बात क्या है, ये एलआईसी की सबसे ज्यादा बिकने वाली पॉलिसी है, और ये होल लाइफ पॉलिसी है, यानी यहाँ पे डेथ होने के बाद, अगर मान पॉलिसी मैच्योर होने के बाद भी जब तक इंसान की डेथ नहीं होती है, ये पॉलिसी चलती रहती है। कैसे काम करती है जानते हैं, और इसकी पहले फीचर्स जान लेते हैं। मिनिमम एज 18 वर्ष, मैक्सिमम 50 वर्ष तक पॉलिसी ली जा सकती है। पॉलिसी मैच्योर 75 वर्ष की उम्र में हो जानी चाहिए। मिनिमम पॉलिसी पीरियड 15 वर्षों का रहेगा, मैक्सिमम पॉलिसी पीरियड 35 वर्षों का रहेगा। मिनिमम सम एश्योर्ड 1 लाख का, मैक्सिमम सम एश्योर्ड कोई लिमिट नहीं है यहाँ पे। प्रीमियम पेमेंट टर्म की बात करते हैं, यहाँ पे जितने साल का पॉलिसी लिया है उतना ही पॉलिसी टर्म रहेगा, यानी अगर आपका पॉलिसी टर्म 35 वर्ष का लिया है, तो 35 वर्षों तक आपको प्रीमियम का भुगतान करना है, और अगर आपने 15 वर्षों का पॉलिसी लिया है, तो आपको 15 वर्षों तक प्रीमियम का भुगतान करना है। इसके लिए एक हाइपोथेटिकल एग्जाम्पल लेते हैं और उससे समझने की कोशिश करते हैं कि भाई ये काम कैसे करेगा। जैसे पहला हम एग्जाम्पल लेते हैं और मान के चलते हैं कि भाई जो पॉलिसी धारक है उस वो पॉलिसी मैच्योर होने तक जिंदा रहते हैं, उस कंडीशन में क्या रहेगा, यहाँ पे हम 5 लाख का सम इश्योर रहते हैं और पॉलिसी पीरियड लेते हैं 35 वर्षों का। यहाँ पे एज ऑफ इन्वेस्टर 35 वर्ष है, और प्रीमियम पेमेंट टर्म यहाँ पे 35 वर्षों का रहेगा, क्योंकि पॉलिसी है वो 35 वर्षों की है, 35 वर्ष का पॉलिसी, 35 वर्षों तक प्रीमियम का भुगतान करना पड़ेगा। अब इस उम्र में यहाँ पे क्या होगा, अगर ये पॉलिसी प्लान लेते हैं तो अभी के हिसाब से प्रीमियम का भुगतान इनका 15,900 सालाना प्रीमियम का भुगतान रहेगा, और अगर प्रीमियम ये मंथली पे करते हैं 13,1350 रुपये मंथली प्रीमियम का भुगतान रहेगा, और यहाँ पे टोटल प्रीमियम ये 5,57,000 रुपये पे कर देंगे 35 वर्षों के अंदर। टेंटेटिव प्रीमियम है, जैसा मैंने पहले भी बताया है, एक्चुअल प्रीमियम आपको एलआईसी की वेबसाइट से ही पता करना होगा। अब क्या होगा, यहाँ पे जब पॉलिसी मैच्योर हो जाती है, तो उस कंडीशन में क्या होगा, पॉलिसी धारक की एज हुई 70 वर्ष, यहाँ पे पॉलिसी मैच्योर हो गई, और इनको मैच्योरिटी बेनिफिट है वो मिल जाता है। मैच्योरिटी बेनिफिट यहाँ पे 25 लाख रुपए इनको मिल जाता है। वो कैसे रहेगा 25 लाख रुपए, तो इन्होंने 5,57,000 पे किया, उसके बदले में 25 लाख तो यहाँ पे मैच्योरिटी बेनिफिट मिल गया, और इतना ही नहीं, सॉरी इतना ही नहीं, ये पॉलिसी इसके बाद में 70 वर्ष के बाद में इनका प्रीमियम है वो यहाँ पे रुक जाता है, उसके बाद में इनको प्रीमियम पेमेंट नहीं करना है। 25 लाख रुपए मिल गए, जैसा बाकी पॉलिसी जो होती है वो यहाँ पे खत्म हो जाती है, लेकिन ये पॉलिसी यहाँ पे खत्म नहीं होगी, और इनको आगे कोई प्रीमियम भुगतान नहीं करना है। और मान लीजिए 70 वर्ष की उम्र के बाद भी जिंदा रहते हैं, तो जैसे ही इनके डेथ होती है, मान लीजिए 80 वर्ष में हो गई, 90 वर्ष में हो गई, तो उनको जिस दिन डेथ होगी वहां पे और बेनिफिट है वो मिल जाएगा। अगर किसी कारण से मान लीजिए डेथ नहीं होती है और लंबा जीते हैं ये, सॉरी, अगर ये लंबा जीते हैं 100 वर्षों तक लंबा जीते हैं, तो उस कंडीशन में क्या होगा, 100 वर्ष होने पे ये पॉलिसी अपने आप मेच्योर हो जाती है दोबारा से, और यहाँ पे इनको मैच्योरिटी बेनिफिट है वो दोबारा से और मिल जाता है। सम मेच्योर जो था वो यहाँ पे भी चलता रहेगा 5 लाख रुपए। तो अगर इनकी उम्र एज 70 वर्ष पे मेच्योर 25 लाख मिल गया, उसके बाद में 71 वर्ष से लेकर के 100 वर्ष तक इनकी कभी भी डेथ होती है तो इनको 5 लाख रुपए मिल जाता है। अगर इनकी डेथ मान लीजिए नहीं होती है 100 वर्षों तक ही और जिंदा रहते हैं, तो 100 वर्ष पे इनको 5 लाख रुपए दे दिए जाएंगे। अब बात करते हैं अगर पॉलिसी धारक की मृत्यु हो जाती है तो उस केस में क्या रहेगा, बाकी सारी चीजें हम सेम मान के चलते हैं। यहां पे 10 वर्ष के बाद पॉलिसी धारक की डेथ होगी, तो यहाँ पे क्या होगा, मैच्योरिटी बेनिफिट मिल जाएगा 125% ऑफ सम एश्योर्ड प्लस बोनस यहाँ पे मिलेगा, तो 6,25,000 रुपए यहाँ पे मिल गया, 5 लाख का 125%, और बोनस 6-10 वर्ष का मान के चलते हैं 2,45,000 रुपए यहाँ पे बोनस मिल गया। जितनी लेट डेथ होगी वहां पे बोनस की राशि है वो बढ़ती जाएगी, तो यहाँ पे कुल मिला के इनको 8,70,000 रुपए यहाँ पे मिल गए, और यहाँ पे इन्होंने 15,900 और मल्टीप्लाई 19-10 यानी 1,59,000 यहाँ पे इनको पे किया इन्होंने, और उसके बदले में इनको मिला 8,70,000 रुपए। 10 वर्षों का प्रीमियम था 1,59,000 रुपए, 8,70,000 रुपए इनको मिल गया। नंबर तीन पे आता है जीवन लाभ प्लान। जीवन लाभ प्लान के बारे में बात करें तो दोस्तों आपके जीवन में हो सकता है कि आपका लक्ष्य हो कि जीवन में ग्रोथ करना हो, या टैक्स सेविंग आपको बचाना हो, किसी भी टाइप का लक्ष्य हो, तो भी आप जीवन लाभ प्लान है वो ले सकते हैं। ये एक क्या बोलते हैं, वनीला प्लान है, आप जैसा भी आप लेना चाहते हैं वो ले सकते हैं।
यहाँ पे मिनिमम एज एट एंट्री रहती है 8 वर्ष के लिए, और यहाँ पे पॉलिसी पीरियड एक कम एग्जाम्पल से इसको समझते हैं। तीन ऑप्शन यहाँ पे है, जैसे आप 16 वर्षों का पॉलिसी पीरियड, 21 वर्ष और 25 वर्ष का पॉलिसी पीरियड यहाँ पे ले सकते हैं। और प्रीमियम पेमेंट के टर्म की बात करते हैं, 16 वर्ष की पॉलिसी के लिए आपको 10 वर्षों तक के प्रीमियम भुगतान करना पड़ेगा, 21 वर्ष की पॉलिसी के लिए 15 वर्षों के लिए, और 25 वर्ष की पॉलिसी के लिए आपको 16 वर्षों तक प्रीमियम का भुगतान करना पड़ेगा। मैक्सिमम एज ऑफ इन्वेस्टर की बात करते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे मैक्सिमम 59 वर्षों तक ये प्लान एज तक ये प्लान लिया जा सकता है। दूसरा प्लान है वो 54 वर्षों तक, और तीसरा प्लान है वो 50 वर्ष की उम्र तक लिया जा सकता है। मिनिमम सम एश्योर्ड यहाँ पे 2 लाख का रहता है, मैक्सिमम सम एश्योर्ड की कोई लिमिट नहीं है यहाँ पे भी। और अब हम अगर आगे की बात करते हैं, यहाँ पे एक एग्जांपल से समझे इसको, तो 5 लाख का पॉलिसी लेते हैं 25 वर्ष की उम्र तक, सॉरी पॉलिसी पीरियड लेते हैं। यहाँ पे इन्वेस्टर की एज यहाँ पे 30 वर्ष है, और प्रीमियम यहाँ पे रहेगा 1933 रुपये मंथली, टेंटेटिव प्रीमियम है 22,700 ईयरली प्रीमियम रहा। यहाँ पे प्रीमियम पॉलिसी पेमेंट टर्म रहेगा वो 16 वर्ष का यहाँ पे रहा, ठीक है। हमारे ऑप्शंस के हिसाब से यहाँ पे प्रीमियम पेमेंट टर्म 16 वर्ष का रहा, एज 46 वर्ष की होगी तब तक इनको प्रीमियम का है वो भुगतान करना है, और उसके बाद इनको किसी प्रकार का प्रीमियम का भुगतान नहीं करना है। जैसे इनकी एज होती है 55 वर्ष, तो इनको मैच्योरिटी बेनिफिट मिल जाता है। मैच्योरिटी बेनिफिट यहाँ पे 13,50,000 का रहेगा, तो इन्होंने टोटल प्रीमियम भुगतान किया था 22,700 × 16, 3,63,200 रुपए का, उसके बदले में इनको मिल गया 13,50,000 का यहाँ पे मैच्योरिटी बेनिफिट मिल गया। मैच्योरिटी बेनिफिट में कॉम्पोनेंट रहता है 5 लाख का सम एश्योर्ड रहता है, और बोनस रहता है 6,25,000 का, और फाइनल एडिशनल बोनस रहता है 2,25,000 रुपए का। तो बोनस एंड फाइनल एडिशनल बोनस है वो डिपेंड करता है परफॉर्मेंस के बेस पे, तो ये चेंज हो सकता है ठीक है। और अगर आप चाहते हैं यहाँ पे कि आप ईयरली इंस्टॉलमेंट भी भुगतान का लेना चाहते हैं, तो आप 10 वर्ष और उसके हिसाब से ले सकते हैं। जैसे 10 वर्ष का अगर आप लेते हैं तो आप 1,73,000 रुपये आपको लगभग मंथ सालाना आपको अगले 10 वर्षों तक मिलता रहेगा। जो भी कंडीशंस है वो आप जब पॉलिसी ले अच्छे से चेक कर लें, क्योंकि हो सकता है उस टाइम पे ये जो फाइनेंशियल फिगर्स है वो वैलिड ना रहे, इसलिए जरूर है इंश्योरेंस पॉलिसी से एक बार जरूर चेक कर लेना है LIC की वेबसाइट पे जाकर के, LIC के ऑफिस में बात करके कि भाई उस टाइम पे क्या प्रीमियम रहेगा, क्या बेनिफिट्स रहेंगे, ये सारी चीजें आपको पता कर लेनी है। और हमेशा पॉलिसी आने के बाद पॉलिसी डॉक्यूमेंट को अच्छे से रीड करें, टर्म्स कंडीशन को अच्छे से रीड करें, उसके बाद पॉलिसी को एक्सेप्ट करें। अगली बात करते हैं, अगर पॉलिसी धारक की डेथ हो जाती है तो उस कंडीशन में क्या रहेगा। यहाँ पॉलिसी स्टार्ट होती है और 30 साल की इन्वेस्टर की उम्र है, और यहाँ पे मैच्योरिटी हो जाती है 10 साल की, जब 10 वर्ष हो गए पॉलिसी लिए, यानी इन्वेस्टर की एज थी 40 साल की, तब उनकी डेथ हो जाती है। तो यहाँ पे डेथ होने पे नॉमिनीज को है सम एश्योर्ड प्लस बोनस यहाँ पे मिल जाता है। सम एश्योर्ड यहाँ पे 5 लाख है और 2.5 लाख का बोनस 10 साल का मान के चलते हैं, तो टोटल 7.5 लाख रुपए मिल जाता है। नंबर 4 पे आता है हमारा जीवन उमंग प्लान। अगर आप जिंदगी में रिटायरमेंट के बाद आराम की जिंदगी चाहते हैं और आप चाहते हैं एक पर्टिकुलर राशि आपको हर साल मिलती रहे, तो आप इस प्लान को अपना सकते हैं। यहाँ पे आपको सालाना जो है वो भुगतान एक LIC की तरफ से मिलता रहेगा, तो आपके लिए बेहतर हो सकता है। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन रहते हैं, ऑप्शन 1, 2, 3, 4। ऑप्शन 1 में आपको 15 वर्ष तक प्रीमियम पेमेंट करना है, ऑप्शन 2 में 20 वर्ष, ऑप्शन 3 में 25 वर्ष, और ऑप्शन 4 में 30 वर्षों तक प्रीमियम का भुगतान करना है। जब आप ऑप्शन 1 लेते हैं तो आपकी ज्यादा से ज्यादा उम्र 55 वर्ष हो सकती है, 55 + 15 अगर आप करेंगे तो 70 वर्ष रहेगा, यानी जैसे ही आपकी उम्र 70 वर्ष होगी प्रीमियम है वो रुक जाएगा। ऑप्शन 2 लेते हैं तो यहाँ पे 20 वर्षों तक प्रीमियम का भुगतान करना है, यहाँ पे मैक्सिमम आप 50 वर्षों तक ये पॉलिसी ले सकते हैं, चूंकि 50 और 20 70 हो गया, 70 वर्ष के बाद प्रीमियम अलाउड नहीं है यहाँ पे। तीसरा जो प्लान है वो भी 25 साल का है, तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली 45 वर्षों तक आपकी उम्र होगी, तब तक आप तीसरे नंबर का प्लान ले सकते हैं, तो यहाँ पे भी 25 + 45 70 वर्ष हो जाता है। 4 नंबर प्लान, अगर आप 30 वर्षों का प्रीमियम का भुगतान करते हैं तो आप 40 वर्ष की उम्र तक ही ये प्लान 4 नंबर प्लान ले सकते हैं, 40 वर्ष अगर आपकी उम्र ऊपर हो गई है तो आप 40 4 नंबर प्लान है वो नहीं ले पाएंगे। अब यहाँ पे क्या होती है, मिनिमम सम एश्योर्ड की बात करते हैं, 2 लाख का मिनिमम सम एश्योर्ड रहता है, मैक्सिमम सम एश्योर्ड कोई लिमिट यहाँ पे नहीं है। और हाइपोथेटिकल एक एग्जांपल लेते हैं कि अगर मान लीजिए पॉलिसी धारक जिंदा रहता है तो उस कंडीशन में क्या रहेगा। 10 लाख का इन्होंने पॉलिसी लिया है और एज ऑफ इन्वेस्टर है 30 वर्ष की इनकी एज है, तो ये प्रीमियम पेमेंट टर्म 30 वर्ष का ये ले सकते हैं, क्योंकि 40 वर्ष से इनकी उम्र कम है। अभी क्या होगा, एनुअल प्रीमियम में 30,980 ये सालाना प्रीमियम का भुगतान पे कर रहे हैं,
और इन्होंने टोटल 9,12,400 का प्रीमियम का भुगतान कर दिया है। अब कि इनकी उम्र एज 60 वर्ष हो जाती है, तो पॉलिसी का जो प्रीमियम पेमेंट है वो यहाँ पे रुक जाता है और इनकी रिटर्न है वो स्टार्ट हो जाती है, और इनको उसके बाद में हर साल 8% ऑफ सम एश्योर्ड यहाँ पे मिलेगा। 80,000 रुपए एवरी ईयर यहाँ पे LIC की तरफ से मिलना शुरू हो जाता है। तो 10 लाख यहाँ पे था, 10 लाख का 8% यानी 80,000 रुपए इनको अब हर साल मिलना शुरू हो गया है, और जब तक इनकी जिंदा रहेंगे तब तक इनको ये 80,000 रुपए हर साल मिलना रहेगा। और जैसे ही इनकी मैच्योरिटी होती है, मैच्योरिटी एज 100 साल इनकी हो जाती है, तो यहाँ पे इनको मैच्योरिटी बेनिफिट मिलता है 79,80,000, यहाँ पे मैच्योरिटी बेनिफिट है वो भी मिल जाता है। तो एक अच्छी खासी अमाउंट यहाँ पे इनको मिल गई है, और ये था इनका बेनिफिट। और इसमें क्या क्या इंक्लूड रहता है, सम एश्योर्ड यहाँ पे रहता है 10 लाख का, बोनस 44,30,000 का, और फाइनल एडिशनल बोनस 35,50,000 का यहाँ पे इनको रहता है। तो ये यहाँ पे एक अच्छा खासा अमाउंट है जो इनको मिला है, ये रहता है जो हमारा इस प्लान के अंदर फैसिलिटी है। अगर इस किसी कारण से इनकी डेथ हो जाती है तो उस कंडीशन में क्या होता है, पॉलिसी स्टार्ट हुई मान लीजिए, सेम कंडीशन लेके हम चलते हैं, इन्वेस्टर की डेथ हो जाती है जब 50 साल की उम्र है यानी 20 वर्ष बाद इनकी डेथ हो जाती है, तो यहाँ पे क्या होगा, LIC डेथ कवरेज के रूप में सम एश्योर्ड प्लस बोनस ऑफ 20 इयर्स प्लस फाइनल एडिशनल बोनस इनको दे देगा। तो 10 लाख का सम एश्योर्ड प्लस 10,29,000 का बोनस प्लस 1 लाख रुपए का फाइनल एडिशनल बोनस 21,29,000 रुपए यहाँ पे LIC इनको दे देता है। बाकी कंडीशन जो हमने पहले जिंदा रहने वाले जो एग्जाम्पल में लिया था वही यहाँ पे रहती है। एक चीज यहाँ पे मैं बार बार आपको बता रहा हूँ, ये जो फिगर्स है, फाइनेंशियल फिगर्स है, ये चेंज हो सकते हैं। LIC से जरूर बात करें आप जब भी प्लान ले, या और भी किसी कंपनी से कोई भी इंश्योरेंस प्लान लेते हैं तो इंश्योरेंस कंपनी से डायरेक्टली बात करके, और वो बात करने के बाद में भी जब भी आपको पॉलिसी डॉक्यूमेंट मिलता है उस पे आपको रीड करना है क्या वही प्लान टर्म्स एंड कंडीशंस या बेनिफिट्स वो है या नहीं है जो पॉलिसी आपको मिली है। अगर ऐसा नहीं है तो आप डायरेक्ट इंश्योरेंस कंपनी से बात कर सकते हो, पॉलिसी आप वहां पे कैंसिल भी करवा सकते हैं। कुछ फ्री लुक पीरियड भी रहता है इन लोगों का 15 से 30 दिन का, उस बीच में आप कैंसिल करवाते हैं तो आपको अमाउंट है वो रिफंड हो जाती है। तो ये था दोस्तों हमारा वीडियो LIC की 4 बेस्ट प्लान के बारे में। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आया होगा, वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, अपने वैल्यूएबल कमेंट्स हमें जरूर दें, और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना ना भूलें। वीडियो देखने के लिए, अपना कीमती समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कीप वॉचिंग प्रिशा एकेडमी। थैंक्स अ लॉट।